खेसारी लाल यादव बिग बॉस के घर से बाहर क्या आए, उनके दुश्मनों का मुंह खुल गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे दुश्मनों की जिन्होंने खेसारी लाल यादव को खेसारी लाल यादव बना दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आज भी खेसारी लाल यादव अपने स्टेज शो पर इनका जिक्र करना नहीं भूलते और वो कहते हैं कि सानिया मिर्ज़ा ने ही कहीं ना कहीं उन्हें वो मुकाम दिलाया है जो कि शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो हम बात करेंगे उस दौर की जब सानिया मिर्ज़ा की वजह से खेसारी लाल यादव ने काटा 3 दिन जेल में। जी हाँ, सानिया मिर्ज़ा के लिए खेसारी लाल यादव ने एक गाना गाया था, सानिया मिर्ज़ा का है खुजलू दुल्हा पाकिस्तानी। अब ये गाना सभी को इतना नागवार गुजरा, यानी कि सानिया मिर्ज़ा के जो क्लोज पर्सन थे उन लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने खेसारी लाल यादव पर मानहानि का दावा ठोक दिया। मानहानि का जो दावा ठोका था उसमें खेसारी लाल यादव सीधे जेल चले गए। जी हाँ, और फिर खेसारी लाल यादव ने अपनी गलती मानी कि उन्होंने इस तरह का गाना किसी को हर्ट करने के लिए नहीं गाया था, और फिर 3 दिन की जेल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन सानिया मिर्ज़ा के ऊपर गाए हुए गाने और 3 दिन बिताए हुए जेल के कारण खेसारी लाल यादव अब वो खेसारी लाल यादव नहीं रहे थे जो खेसारी लाल यादव जेल में गए थे। जी हाँ, अब वो रातों रात बिहार के एक सुपरस्टार बन चुके थे, लोग उनका गाना सुनना चाहते थे। जिस एल्बम को उन्होंने रिलीज़ किया था वो पहले से भी ज़्यादा यानी दुगुना तिगुना सुना जाने लगा और वो एल्बम सुपर डुपर हिट हो गया। और फिर उसी एल्बम के बाद खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी पलट गई। कहाँ तो 11,000 रुपये में खेसारी लाल यादव ने अपनी पहली फिल्म साइन की थी स्मृति सिन्हा के साथ साजन चले ससुराल, और कहाँ आज 2019 में खेसारी लाल यादव पूरे 8 साल बाद एक फिल्म करने का 40 लाख रुपया ले रहे हैं। आपको बता दें कि सानिया मिर्ज़ा और खेसारी लाल यादव की मुलाकात भी हुई। कभी सानिया मिर्ज़ा ने सोचा नहीं होगा जिस गायक ने उनके लिए इतना बड़ा गाना गाया उनकी वजह से उस गायक की ज़िंदगी कितनी बदल गई है। आपको बता दें कि एक चैट शो के दौरान साजिद खान ने सानिया मिर्ज़ा और खेसारी की पहली मुलाकात करवाई थी। खेसारी ने अपना सिग्नेचर स्टेप भी वहां किया और इस शो में सानिया मिर्ज़ा, परिणीति चोपड़ा और खेसारी लाल यादव तीनों ने शिरकत की थी और खेसारी लाल यादव ने वहां सभी का खूब एंटरटेन किया। हाँ, बात आई बिग बॉस की, तो भाई मीडिया में ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि सानिया मिर्ज़ा बहुत खुश हैं कि खेसारी लाल यादव बिग बॉस के घर से निकल गए हैं। आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है। इवन आपको ये भी बता दें कि सानिया मिर्ज़ा बिग बॉस को फॉलो तक नहीं करती हैं, यानी कि बिग बॉस देखती भी नहीं है, तो उन्हें इससे क्या लेना देना कि खेसारी लाल यादव घर के अंदर रहे या बाहर। वैसे भी यहाँ हम ज़रूर कहेंगे कि सानिया मिर्ज़ा खेसारी को शायद अपने ताउम्र नहीं भूलेंगी। वैसे भी खेसारी लाल यादव है ही ऐसे इंसान, जो भी उनसे एक बार मिलता है उनका हो ही जाता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।